उठो चिराग उठाओ ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पुष्पा, 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 मार दिया। क्या ये क्या हुआ? अरे पुष्पा, अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? अरे देख रहे पीछे क्या हुआ मेरे? अरे मेरे बहू पुष्पा, अरे इस तरह पड़ी क्यों है? पता नहीं भैया, मैं जब यहाँ आई तो ये जमीन पर पड़ी थी। झूठ मत बोल, जब हम यहाँ से गए थे तो बिल्कुल ठीक थी और आप कहती है कि जमीन पर पड़ी थी। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मार दिया। मैं तो पहले ही कहती थी कि दूर रखो इन बेटियों को, और ये पतली इसके तो बद मारी गई थी। पता नहीं कहां से बुला लिया इसे और इसने भी पिंड ना छोड़ा। अरे ये 20 मील ले गई जज्जे को और खर्चा अलग करवाया, और फिर देखो यहाँ के जान ही ले ली इस चुड़ैल ने। ये अब क्या कह रही है बाजी? आपको इन्हें बहन जी ने बताया था ना कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे FRU ले जाना, पर आपने एक नहीं सुनी और ले भी गए तो PHC। अरे PHC से FRU भी तो मैं ही लेकर गई थी ना इसे। ज्यादा बड़बड़ मत कर। अरे मार तो तू उसे वहीं देती, वहां नहीं तो तूने यहां मार दिया। अरे बदरी मुंह लटकाए क्या बैठा है? जा थाने में जाके रपट लिखवा इसकी। खा गई मेरी भूल सी बहू को। अरे अरे इसने दुनिया में पाँव भी नहीं रखा था कि निकल गई मेरी बहू को चुड़ैल। नमस्ते सरपंच जी। अरे नर्स बहन जी आइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। उधर स्वास्थ्य केंद्र में सब ठीक है ना? वहाँ तो सब ठीक है, पर इधर मानिक टोला में एक दुर्घटना हो गई है। कैसी दुर्घटना? वहाँ एक औरत है, गर्भवती है पुष्पा। हाँ हाँ, जिसके घर से आते वक्त वो कुछ बदमाशों ने। जी वही, कल देर रात उसे बहुत जोर से दर्द उठा। और अब वो कमला पर आरोप लगा रहे हैं कि पुष्पा की मौत की जिम्मेदार वो है। पर सच क्या है? इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा जब तक गहराई से इस बात की तहकीकात ना हो जाए। तहकीकात? कौन करेगा तहकीकात? मैं करूंगी सरपंच जी। वैसे भी ऐसी दुर्घटनाओं की जिम्मेदार अक्सर लोगों की लापरवाहियां होती हैं।
और पुष्पा के केस में लापरवाही किससे हुई है इसका पता तो लगाना होगा। कमला का कहना है कि गलती उसकी नहीं, पुष्पा के घर वालों की है। पुष्पा में खून की कमी थी और जब मैं खुद उसे देखने गई थी तब भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे ही कहने पर कमला पुष्पा को FRU ले गई। फिर पता नहीं क्या हुआ वो FRU से लौटी और यहाँ गांव में उसकी मौत हो गई। पर क्या ये सब पता करना पुलिस का काम नहीं है? है, पर अगर कोई FIR दर्ज कराता है तब। और दूसरी तरफ अपनी स्वास्थ्य समिति को अधिकार है कि वो ANM से इस तरह की घटना की तकनीकी जांच कराएं। फिलहाल कमला को धमकियां मिल रही हैं और वो बहुत घबराई हुई है। मैं उसी की दरखास्त लेके आपके पास आई हूँ। कमला जानबूझकर तो ऐसा कभी नहीं करेगी। आप ठीक कह रही हैं सरपंच जी, मुझे यकीन है कि ये मौत कमला की वजह से नहीं हुई। पिछले कई महीनों में जो मेहनत उसने दिखाई है, गांव की महिलाओं और बच्चों की तरफ अपनी जो सेवा दिखाई है, उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कमला ऐसा कर सकती है। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। वैसे इस तहकीकात से हमें काफी जानकारी भी मिलेगी, जैसे आम तौर पर ऐसी घटनाओं के कारण क्या होते हैं, कहां गांव की स्वास्थ्य सेवाओं में कमी रह गई है और कहां लोगों की जानकारी में कमी रह गई है, और शायद तब हम ऐसी घटनाओं को फिर होने से रोक भी सकें और इससे एक बेकसूर को न्याय भी मिल जाएगा। आप अपनी तहकीकात शुरू कर लें। कमला अगर बेकसूर है तो उसे साबित करना होगा, नहीं तो। बस बस बस, ये क्यों परेशान कर रहा है? अरे तेरी अम्मा स्वर्ग से धार गई और तू। नमस्ते अम्मा जी। क्या है? आइए आइए बहन जी। पुष्पा का सुनके बहुत दुख हुआ, जानती हूँ, पर तेरे दुख मनाने से इस दूध मुए बच्चे का पेट कैसे भरेगा, कैसे पलेगा ये बिन माँ का बच्चा? बता, है कोई इलाज तेरे नर्स की किताब में? अम्मा तुम, बहन जी, अम्मा की बात का बुरा मत मानिएगा। नहीं भैया, मैं अम्मा जी का दुख समझती हूँ। जवान बहू खोई है इन्होंने और बहू भी तो बेटी के समान ही होती है। ले। अम्मा जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर इसकी बोतल और निप्पल इस्तेमाल करने से पहले पानी में उबाल लीजिए और बेहतर होगा अगर आप कटोरी या चम्मच से पिलाएं। क्यों, इस बोतल में क्या बुराई है? अम्मा जी, कई दफे ना उबालने की वजह से निप्पल के आसपास कीटाणु जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को दस्त का खतरा हो सकता है। अम्मा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना बहन जी। अम्मा जी, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हमें तो ये जानना होगा ना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अरे अब विष्णु भगवान आकर बताएंगे तुझे। वो कमला डायन, अरे खा गई मेरी बहू को। करम जली एक मिनट उसके बगल से हटती नहीं थी, उसकी नीयत तो शुरू से ही बुरी थी। वो तो उसे शुरू में मौका नहीं मिला, ना जाने उसने क्या किया। देखा तो लाश के पास बैठी थी और मेरी बहू की साड़ी में खून ही खून, खून ही खून। अरे चुड़ैल है चुड़ैल। पर अम्मा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों से उसे अस्पताल ले जाते वक्त या फिर वहां किसी से कोई लापरवाही हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं तुझे यहां से धक्के मार के बाहर निकाल दूं।
अब पता चला कि तू यहाँ क्यों आई है। उस चुड़ैल की वकालत करने आई है ना तू? तुम सब एक से हो, एक से भैंजिया। नहीं अम्मा जी। नहीं कि बच्चे, निकल यहाँ से, निकल। मैं तो अम्मा जी बस ये पता करने आई थी, और वो भी आपके मुंह से, कि अस्पताल जाते वक्त और आगे FRU में क्या क्या हुआ। ये सब तो अम्मा जी सिर्फ आप ही बता सकती हैं। ठीक है अम्मा जी, फिर मैं किसी और वक्त आ जाती हूँ।